देखिए ये प्रॉपर्टी मैं खरीदना चाहता हूं, आप यहां से चले जाइए। और अगर नहीं जाऊं तो? चुपचाप यहां से चले जाओ, अच्छा होगा। और हां, इसे धमकी मत समझो। साकेत कपूर हूं, जो बोलता हूं वो कर दिखाता हूं मैं। क्या हुआ, नहीं समझी? देखा, अगर तुम यहां से नहीं गए और अगर तुमने बंगला खरीद भी लिया तो उसके अंदर तुम्हारी लाश जाएगी। हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई। हटो, तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की कदर। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं। माँ, हरम, आप सुन रही हो ना? आप इसी वक्त सब कुछ छोड़े वहां से निकलिए, इसी वक्त घर आ जाइए। माँ प्लीज, आप नहीं जानती है साकेत को। वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। माँ, वो किसी की भी जान ले सकता है। माँ, मैं आपको खो नहीं सकती, प्लीज आप अपनी जान को दांव पे मत लगाइए मेरे लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। माँ सुन रही हूँ ना, प्लीज इसी वक्त निकलिए आप वहां से, प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा फैसला लिया तुमने, बच गई तुम। वो मैं अपना क्लच उठा लूं। ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ब्रेक का वक्त खत्म हुआ, नीलामी आगे बढ़ाई जाएगी। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। वो सीसीटीवी कैमरास देख रहे, उसमें तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और ये कैमरास यही कहेंगे कि पहले तुमने मुझ पर गन तानी थी। मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हें मारकर चली जाऊंगी, और यही कहूंगी कि अपने बचाव के लिए मैंने तुम पर गोली चलाई थी। सेल्फ डिफेंस, यू नो, और कानून से इसकी कोई सजा नहीं। और तुम अपनी खैर मनाओ, बताओ मौत चाहते हो या यहाँ से चले जाना चाहते हो? माँ फिर क्या करें, प्लीज प्लीज उसे कोई बहस मत कीजिए। आप नहीं जानती हो माँ उसे, प्लीज मैं आपको खो नहीं सकती। माँ मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखती हो, प्लीज अब जल्द से जल्द वहां से निकलिए, मुझे कोई घर नहीं चाहिए। थर्टी सेकेंड्स यानी कि आधा मिनट। इसके बाद अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर भी मुझे मेरे दुश्मन का नाम बताओगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम खुद जिंदा नहीं बचोगे। 20 seconds, अपनी मौत से तुम सिर्फ 20 seconds की दूरी पर हो। 10 seconds, हमारी जिंदगी के आखिरी 10 seconds, and your countdown begins now. मैं सिर्फ तुम्हें 10 seconds देती हूँ, और अगर इस 10 seconds में तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 second और नहीं रुकूंगी, और मेरी गोली तुम्हारा माथा चीर कर निकल जाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. अच्छा अच्छा, एक मिनट, जाता हूँ यहाँ से, चले जाऊंगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि 15 crore की प्रॉपर्टी 60 में खरीद के मतलब ही नहीं। जा रहा हूँ, अभी गन नीचे रख दीजिए, बाद में मिलते हैं। प्लीज मैम रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैम प्लीज रुक जाइए, मैम प्लीज गन नीचे कर लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैम प्लीज गन नीचे कर लीजिए, मैम प्लीज गन नीचे कर लीजिए। मैम
अच्छे अच्छे गन पॉइंट के सामने टिक नहीं पाते तो तुम क्या चीज हो? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम मेरा। Now come on, tell me, कौन है वो जिसने मुझे बिजनेस की दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गई, जिसने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गलत इन्फॉर्मेशन देकर मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की, जिसने मीडिया को मेरे खिलाफ भड़काकर पूरी दुनिया के सामने मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश की? आई वॉन्ट टू नो दैट पर्सन से जिसकी वजह से आज मेरा घर नीलाम हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो कौन है वो। मैम, उस आदमी का नाम है साकेत कपूर। What? साकेत कपूर? You mean that politician साकेत कपूर? जी हाँ मैम, साकेत कपूर। मैम उसने दिल्ली से कांटेक्ट किया था मुझे। मैम वो बहुत बड़ा नेता है मैम, जितनी भी पुलिस की पावर है सब उसके हाथ में है मैम। न जाने कितने बड़े बड़े गुंडे उसने पाल रखे हैं। उसने मुझे फोन किया था और धमकाया मुझे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तेरी बीवी और बच्चों को अगवा करेंगे और जान से मार डालेंगे। अगर साकेत को मालूम पड़ गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो मैम वो मुझे और मेरे परिवार को सबको जान से मार डालेगा। मैम मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ मैम, मुझे जाने दीजिए आप। Don't give me that bloody crap. तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कोई भी झूठी कहानी सुनाओगे और मैं इसे सच मान लूंगी? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? You think I can't understand? कि जिस किसी ने तुम्हें पैसे दिए ये सब करने के लिए उसने तुम्हें यही कहा होगा कि पकड़े जाने पर तुम साकेत कपूर का नाम लो? I'm not an idiot. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम साकेत कपूर का नाम क्यों ले रहे हो, ताकि उसके और मेरे बीच में जो अच्छी दोस्ती का रिलेशन है वो खराब हो जाए, हम दोनों के बीच में दरार पड़ जाए, दुश्मनी हो जाए हमारे बीच में। But that's not going to happen. Do you understand that? It's not going to happen. सच सच बताओ किसने कहा है तुमसे ये सब करने के लिए? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि साकेत कपूर ऐसा नहीं कर सकता। साकेत ऐसा नहीं कर सकता। He cannot do this. उसने और मैंने एक साथ मर्डर प्लान। वो ऐसा नहीं कर सकता। No, it's not possible. साकेत ऐसा नहीं कर सकता। साकेत ऐसा नहीं कर सकता। Just tell me किसने ये सब किया है। मुझे उस इंसान का नाम बताओ। मुझे घुमाओ मत, समझे तुम? मुझे जानना है किसने किया ये सब। साकेत कपूर के पास इतना पावर है कि अगर वो कोई दुश्मन पालेगा ना तो उसका सामना वो सामने करेगा, उसके पीठ के पीछे नहीं करेगा वार। यू अंडरस्टैंड दैट? किसने किया ये सब मेरे खिलाफ? टेल मी द गॉटर नेम ऑफ द मैन, आई विल किल यू। यही मार डालूंगी मैं तुम्हें। मैं पहले ही बहुत मजबूर हूँ अपनी फैमिली को लेके, और ऊपर से आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है मैम, मुझे नहीं पता साकेत आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसका क्या मकसद है, लेकिन वो साकेत कपूर ही है मैम। मानो या ना मानो मैडम, जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ। जाओ पकड़ो उसको। You idiot, पकड़ा क्यों नहीं उसे? मैम वो अचानक इतनी तेजी से भागा कि उसको पकड़ने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन मैम हमें इसी बहाने आपके असली दुश्मन के बारे में तो पता चल गया, और मैम मुझे नहीं लगता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। और मैम आजकल जमाना इतना खराब है कि हम सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा दे देता है। मैम मैम मुझे तो लगता है सबके पीछे साकेत का ही हाथ है। काशी अंबिका नहीं मेरी देविका होती। मिस्टर ग्रेवाल, ये आपकी वाइफ है? जी नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड होंगी? नहीं। इसका मतलब कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन अभी तक आप कुछ कह नहीं पाए। एनीवे, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। शी इज अ वेरी प्रीटी वुमन। ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक्चुअली मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे तो मैं। हाँ ये लीजिए, सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी है और पूरी रकम आपकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। वेलकम। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? सीरियसली आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, और वो भी इतने कम समय में आपने पूरा इंतजाम कर दिया, सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
थैंक यू सो मच मिस लूथरा, बहुत ज्यादा खुश होंगी। एनीवे मैं निकलता हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। थैंक यू तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक की जितनी बोलियां लगी उनमें से आखिरी बोली है श्रीमती जानकी देवी की, 60 करोड़। है कोई और जो इनसे ऊंची बोली लगा सके?